अस्सलाम वालेकुम जी, वंस अगेन वेलकम बैक फ्रॉम जॉर्जिया तबलीसी। सो गाइस, मैं जा रहा हूँ आज कस्बे की टूर पे। मैंने कल टूर बुक किया था एक, ठीक है, उसकी मैंने वीडियो अपलोड की थी, आप चेक कर लीजिएगा, 50 जेल में, ठीक है, तीन चार जगह मुझे टूर करवाएंगे वो लोग, और बाकी आपको चल के दिखाते हैं वहाँ पे ये कैसी जगह है। वैसे तो पिक्चर्स में देखिए तो काफ़ी खूबसूरत जगह लग रही है मुझे, लेकिन चल के देखते हैं अभी। बाकी ये इस टाइम सुबह के 8:45 हो गए हैं, 9 बजे बस निकलेगी, ठीक है, और शाम को 8 बजे वापस लेके आएंगे वो लोग। आज धूप निकली हुई है लेकिन मौसम बड़ा प्यारा है यहाँ पे। कल भी धूप थी लेकिन कल थोड़ी हल्की हल्की ठंड थी, लेकिन जिस एरिया में मैं जा रहा हूँ ना वहाँ भी सुना है कि स्नोफॉल होती है। अब देखें, चल के देखते हैं। कस्बेगी का नाम तो बड़ा सुना था लेकिन आज मेरा यहाँ पे 3rd day है और कल मैंने वापस जाना है कल रात को, तो मैंने कहा चलें आज यहाँ का टूर कर लेते हैं कस्बेगी का। मैं इनके ऑफिस पहुँच चुका हूँ जी, अभी वेट कर रहा हूँ। उसने मुझे कहा था कि आप 8:45 पे आ जाइएगा यहाँ पे और फिर यहाँ से आपको पिक कर लेंगे, तो अभी जस्ट वेट कर रहा हूँ, देखिए अभी कौन आता है लेने के लिए। यहाँ पे सब टूरिस्ट आए हुए हैं यहाँ पे इस टाइम, सुबह सुबह उन्हें बुला लिया था यहाँ पे, और यहाँ से ये लेके जाएंगे आगे अपनी प्री डेस्टिनेशन पे, जिसने जहाँ जहाँ जाना है। तबलीसी का सेंटर है जी, सिटी सेंटर है ये। बाकी अगर मुझे अच्छा लगा टूर तो मैं इंशाल्लाह उसका मेंशन करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो आप लोग भी जब यहाँ पे आएँ तो उनके साथ जाइएगा। फाइनली हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं और निकल पड़े हैं जी कस्बेगी टूर के लिए, और ये हमारा टूर गाइड है। И получается так, что триста воинов, наш царь Ирина Дорога, быстро он смог организовать 7000 солдат. Смог организовать, более-менее. Но байкают, потому что у персов было 40 000 воинов. Но количество всегда берет свой, да? Невозможно воевать против, допустим, 10 человек. ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है जी, यहाँ 15 से 20 मिनट के लिए गाड़ी रुकी है और उसने कहा थोड़ी आप पिक्चर्स वगैरह बना लें और फिर आगे निकलेंगे जी नेक्स्ट डेस्टिनेशन के लिए। और इस जगह का नाम है जी जिम्वाली डैम। यहाँ पे उन्होंने एक टूरिस्ट पॉइंट बनाया हुआ है, शॉप्स हैं कुछ यहाँ पे, और पिक्चर्स वगैरह के लिए बस लोग यहाँ पर आते हैं, बाकी कुछ ऐसा खास नहीं है यहाँ पे, जस्ट ये डैम है एक। काफ़ी टूरिस्ट आए हुए हैं ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे अगर आपको पिक्चर बनवानी है तो जी आपको उसके अलग से पैसे देने पड़ेंगे, जो कि 5000 इसके चार्जेस हैं, इसलिए हली वली मुझे नहीं बनवानी यहाँ पे पिक्चर। यहाँ से अगर आप कुछ भी परचेज़ करते हैं तो आपको उससे एक्स्ट्रा चार्जेस यहाँ पे करने पड़ेंगे, मींस कि मार्केट वाला रेट आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, सो इसलिए बेहतर यही है कि बंदा यहाँ से कुछ भी ना ले।
No, no, this is not Nick. ये कुछ हैंडमेड बनी हुई चीज़ें हैं जी, पत्थर की, पत्थर से बनी हुई हैं और बहुत ही ऑल मेड बाय यू आर्टिफिशियल। हमारी गाड़ी के जाने का टाइम हो गया है, मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट डेस्टिनेशन में, नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।